जाके आई है, क्या कहना चाहेंगे, वहां का एक्सपीरियंस कैसा था, जाने से पहले क्या एक्साइटमेंट थी, आने के बाद क्या एक्सपीरियंस है वहां का? जाने से पहले एक एक्साइटमेंट था, कैंस में क्या होगा, कैसे हम स्क्रीनिंग करेंगे, कैसे, तो स्क्रीनिंग बहुत अप्रिशिएटेड हुआ, बहुत, जो नहीं सोचा था, एक ऐसा बड़ा बड़े प्लेटफॉर्म में हम गए, हमें अच्छा लगा कि वहाँ यूरोपियन से लेके दुनिया का सब लोग ने हमारा फिल्म को बहुत तारीफ किए, और हम दो साल जो जो हमारा पूरा टीम लगे हुए थे एक बेहतरीन फिल्म करने के लिए, हम आज सोच रहे हैं ये हम कर पाए हैं, और हमने इंडिया को अच्छी तरह वहाँ रिप्रेजेंट किया। सर, आपने एक आर्टिकल में बोला था कि जंगल फिल्म का जो है यूएसपी होने वाला है, तो थोड़ा सा बताइए सर, उस चीज को लेके कितना फोकस किया वहाँ की ऑडियंस ने, क्या कॉम्प्लीमेंट मिला? ये हमारा फिल्म में एक इंडियन रॉ कंटेंट दिखता है, एक जंगल दिखता है जो कहीं नहीं वर्ल्ड में मिलता, तो उन्होंने, बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने जंगल को देखा और एक सिनेमाटोग्राफी की तारीफ की, कि डीओपी की तारीफ की, फिल्म की तारीफ हुआ, तो बहुत इसमें एक अच्छा चीज़ निकल के आया हमारे सामने। स्वप्ना, आप बताइए, आप दोनों ने जो है रेड कारपेट पे वॉक किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, और उसके बाद आपके किरदार को लेके क्या कॉम्प्लीमेंट मिला, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग हमें इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। पहली बार मेरे लिए रेड कारपेट पे चल रहा है, एक्चुअली मेरे लिए मेरा मतलब ड्रीम कम ट्रू हुआ, क्योंकि जहाँ हम सब हमेशा से देखते थे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ चलते हैं, तो पहली बार मुझे और प्रोड्यूसर राजेश मोहंती को ये मौका मिला, तो बहुत ही एक्साइटेड थी और बहुत ही खुशी महसूस हुई। हमारी जो जर्नी थी लास्ट 2 ईयर्स से, कि ये फिल्म जब हमने एक स्क्रिप्ट चूज़ किया था, मैं जब डायरेक्टर से मिली थी, प्रोड्यूसर से मिली थी, तो उस तब से लेके जो ड्रीम हम लोगों ने देखा था इस फिल्म को लेके, और वो एक्चुअली में अभी कैंस जाके सफल हुआ। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपके किरदार को लेकर और पूरी फिल्म को लेके, क्या लोग बातें कर रहे हैं? सी, मैंने एक चीज़ देखा कि आई थिंक हम इंडिया वाले अपनी कदर खुद ही नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ बाहर जाके लोगों से अप्रिशिएशन मिला, इंडियन जो एक्चुअली इस फिल्म में मेरी लुक है टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन गर्ल की जो दिखाया गया है, और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया हमारी फिल्म को। एक्चुअली हमारी फिल्म में कंटेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स एक्सपेरिमेंट फिल्म, एक यंग माइंड के ऊपर गया गया है, तो लोगों को बहुत ही डिफरेंट लगा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और जैसे कि इन्होंने कहा कि जंगल हमारी फॉरेस्ट बहुत ही मतलब मेजर कैरेक्टर है इस मूवी में, और जिस तरीके से हमारी सिनेमेटोग्राफी हुई है, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, क्योंकि हमें एक्चुअल में इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था कि हमें जंगल ही नहीं मिल रहा था, ऐसा डेंस फॉरेस्ट जहाँ पर हम शूट कर सके, जिसका बैकग्राउंड इतना खूबसूरत रहे, तो वो चीज़ जब खिल के इतने अच्छे से आया है, तो लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत ही अप्रिशिएट किया। मगर हमने ये एक्सपेरिमेंट को करने दिया और आज आपके सबके सामने हैं, कैंस में लोग अप्रिशिएट किए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अप्रिशिएट किए, तो दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। अभी हम यूरोप में उसको रिलीज़ करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें हमें चाइना से, जापान से, बहुत सारा जगह से आए, जो चीज़ हम 2 साल से जो डिसीजन लिए थे, आज वो एक सफलता पूर्वक आगे जा रहा है। कितना प्राउड फील कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस की पहली फीचर फिल्म और कांस में जा रही है, इतनी बड़ी वाइड रिलीज मिल रही है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा एंटायर टीम, जो दिन रात मेहनत किए, उन्हीं को चीजें जाता है कि उन्होंने 2 साल में साबित किए कि हम बॉलीवुड से, बॉम्बे से कांस की सफर कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड हम अपना कंटेंट को दिखा सकते हैं। स्वप्ना जी, आपसे जानना चाहूंगा, टीम ने स्पेशली कितना सपोर्ट किया है, जैसे मैंने सर को पूछा कि इतनी वाइड रिलीज मिल रही है, पहली फीचर फिल्म कांस में जा रही है, और टीम ने कितना सपोर्ट किया आप लोगों को? एक्चुअली हमारी टीम की बदौलत ही हम कांस तक पहुंचे हैं, क्योंकि पूरी टीम इतनी सपोर्टिव थी, इतनी डेडिकेटेड थे एंटायर टीम, और दिन रात उन्होंने बहुत काम किया थे, और जितने भी हम बाहर से जो भी टेक्नीशियन थे वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और एंटायर मैं बताना चाहूँगी हमारे 24 FPS के जो इन हाउस टीम मेम्बर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, दे आर लाइक ए फैमिली मेम्बर फॉर अस। और लास्टली, आपके प्रोडक्शन हाउस से कौन सी फिल्म आने वाली है नेक्स्ट, और अंतर्ध्वनि क्या इंडिया में रिलीज होगी और कब होगी? अंतर्ध्वनि बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है, मगर पहले हम ओवरसीज में रिलीज़ करके फिर इंडिया को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम और भी 2-4 मेजर फेस्टिवल में हम आ रहे हैं, लोकार्नो में आ रहे हैं ये मैं, तो उसका बाद हम इंडिया में रिलीज़ करेंगे, बहुत बड़ा रिलीज़ करने के लिए सोच रहे हैं, और इसी टाइप के
कुछ नए प्रोजेक्ट हमारे सामने हैं जिसमें इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ मीटिंग्स हम कैंस में भी करके आए हैं, बहुत जल्दी आपके सामने रखेंगे। तो क्या हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है? ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू। बेस्ट। इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, प्रोडक्शन हाउस की पहली फीचर फिल्म जो कांस में जाके आई है, और भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में जाने आई मीन फेस्टिवल में जाने वाले, कितना प्राउड फील कर रहे हैं फिल्म को लेकर? हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि हमारी पहली फिल्म है और कांस में गई है, तो जाहिर सी बात है हमारे हर टीम के हर सदस्य को प्राउड ही फील हो रहा है, वो खुश है। मानस जी आप बताइए। ओब्वियसली जैसे जितेंद्र जी ने बोले, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है क्योंकि हमारा पहला स्टेप है ये। और बॉलीवुड में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, ये हमारा जो पहला स्टेप है अंतर्ध्वनि को लेके, उसी से ही पता चलता है कि हमारा सोच क्या है, हमारा प्रोडक्शन हाउस का मोटो क्या है और हमारा टेस्ट क्या है। नो डाउट वी आर ऑल कमर्शियल गाइज, बट हम लोगों का एक पहला फिल्म और पहली अटेम्प्ट में हम लोग कांस तक पहुंच गए, वो हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल था फिल्म, और इसी से ही हमें बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा चीज़ें गेन हुआ। सो मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूँ प्रोडक्शन हाउस के मिस्टर राजेश कुमार महांती जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए, और जितेंद्र जी ये तो एसोसिएट डायरेक्टर हैं, और AKB सर जो कि खुद एक इंस्टीट्यूशन है जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब अच्छे से मानता है। तो उसी हिसाब से मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस फिल्म के मैं भी एक पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच। राजेश सर और स्वप्ना मैम के साथ मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का काम करने का, थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे काम करते हैं आप लोगों के साथ और कैसा रहता है ऑन सेट जब आप लोग होते हैं? दरअसल हमें कुछ मतलब लगा ही नहीं, अपने घर के जैसे लगे। कभी भी राजेश सर और सपना मैडम हो, कभी भी मतलब हमारे ऊपर सब कुछ छोड़ देते, आप ही करो, लेकिन करते थे वो सब कुछ थे, बट हम लोग को वो इंस्पायर करते थे कि आप आ गया हो, आप करो, सब कुछ करो। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमें घर जैसा फीलिंग हुआ, नहीं लगा कि हम लोग प्रोडक्शन हाउस में काम, घर में ही अपना काम कर रहे हैं, ऐसा लगा हमें। नहीं, दिस इज फैक्ट, एक्चुअली 100% ट्रू है। हम लोगों का जो पूरा पहला एक्सपीरियंस जो है फिल्म मेकिंग का, वो ऐसा था कि सबके लिए नया था और सबके लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो हम लोग एक टीम वर्क कर रहे थे, जैसे कि एक टीम इकट्ठा होकर कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, तो चलो करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। बहुत सारा हर्डल्स आया, बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस किए, स्टिल हम लोगों को मतलब ऐसे राजेश जी इकट्ठा बिठा के, कभी कभी मीटिंग होता था, अब वो बोलते थे कि नहीं हमें करना है, हमें करना है, कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है, सक्सेस होना है। तो हम लोग भी थोड़ा हैरेस होते थे, फिर बाद में फिर मूव करते थे, ऐसा करके हम लोग मिलजुल के काम किए। इधर सब मतलब एक फैमिली जैसे बोले जितेंद्र जी बोले, हम लोग ना एक पूरा फैमिली टीम मेंबर की तरह काम किए। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रोड्यूसर हमेशा बजट को लेकर हमेशा थोड़े से चिंतित रहते हैं, पर हमारे प्रोड्यूसर हम जितना चिंतित थे वो उतने जॉली मूड में थे, मतलब कुछ भी हो जाए। ये मुझे लगता है मैंने भी काम किया उससे पहले बहुत लोगों के साथ, पर ऐसा प्रोड्यूसर मैंने देखा नहीं पहली बार। ओके, थैंक यू।